अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आईटी ओशन के साथ आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेआउट की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने टेबल का लेआउट चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने टेबल में डिजाइन के ऑप्शन को डिस्कस किया था कि किस तरह से आप अपने टेबल में डिफरेंट तरह के डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से अपने टेबल पे डिफरेंट तरह के डिजाइन अप्लाई करके किस तरह से उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलें, लेआउट की ऑप्शंस में आज हम फर्स्ट सिलेक्ट की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इन ऑप्शंस को अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। अपने टेबल से किसी भी रो, कॉलम या सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करें। सिलेक्ट सेल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सेल है टेबल में वो सिलेक्ट हो चुका है। और अगर आप अपने टेबल से किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपका जो कॉलम है टेबल में वो सिलेक्ट हो चुका है। किसी भी रो के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपकी एक रो कम्प्लीटली सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपका कम्प्लीट टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम टेबल में व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि इनकी हेल्प से आप किस तरह अपने टेबल को मैनेज कर सकते हैं। जब आप व्यू ग्रिड लाइन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एरो आपकी टेबल की लाइन पे शो होगा। इसको प्रेस करके ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि आपको ग्रिड लाइन शो हो रही है। इसकी हेल्प से आप अपने टेबल को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये ग्रिड लाइन जस्ट टेबल की मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, ये प्रिंट फॉर्म में टेबल पे शो नहीं होती। इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि ग्रिड लाइंस के ऑप्शन को हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन ऑप्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल को विजिट करें। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टेबल की प्रॉपर्टीज की ऑप्शन पे। इन प्रॉपर्टीज की ऑप्शन को समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोफिट की ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टीज टेबल की समझ आएंगी। ऑटोफिट ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके सामने मजीद तीन ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। इन ऑप्शंस में आप फर्स्ट ऑटोफिट कंटेंट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका टेबल है वो कंटेंट्स के लिहाज से मैनेज हो जाएगा। ऑटोफिक्स विंडो की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका टेबल है वो आपकी विंडो के लिहाज से वैसे ही फिट हो चुका है आपके डॉक्यूमेंट पे। देन अगर आप ऑटोफिक्स कॉलम की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो कॉलम की विड्थ है वो आपके कंटेंट के लिहाज से फिक्स हो जाएगी। ऑटोफिट कंटेंट की ऑप्शन पे क्लिक कर देने से आपका जो टेबल है आपके कंटेंट के लिहाज से फिट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे टेबल की प्रॉपर्टीज को। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। फर्स्टली हम टेबल की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि आप अपने टेबल को अपने डॉक्यूमेंट की किस साइड पर मैनेज करना चाहते हैं, उसको किस तरफ मूव करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल है वो डॉक्यूमेंट के सेंटर में या राइट पर शो हो तो उसके लिए उस ऑप्शन पे क्लिक करें, देन ओके प्रेस करें तो आप देखेंगे कि जो आपका टेबल है वो आपके डॉक्यूमेंट की राइट साइड पर शो हो रहा है। इस तरह आप अपने टेबल को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम रो की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने टेबल की रोज को, उनकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देने से आप अपने टेबल की रोज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उनकी हाइट को, देन ओके प्रेस करें तो आप देखेंगे कि जो आपके टेबल की रो की हाइट थी वो अब इंक्रीज हो चुकी है। कॉलम की ऑप्शन में आप इन ऑप्शन की हेल्प से अपने जो टेबल है उसके कॉलम की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस कॉलम पे मूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, और अगर आप नेक्स्ट कॉलम पे मूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। और अगर आप अपने टेबल में मौजूद किसी भी सेल की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको इजीली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप अपने टेबल की रोज, कॉलम या सेल की विड्थ को इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम ड्रॉ टेबल की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ड्रॉ टेबल की ऑप्शन को हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस ऑप्शन की हेल्प से आप खुद से इजीली कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
इस तरह से आपके सामने एक पॉइंटर शो होगा और आप अपनी मर्जी से कोई भी टेबल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजीली ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब इरेजर की ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देने से आप अपने टेबल में जहां से भी कोई भी सेल या कोई कॉलम रिमूव करना चाहते हैं उस पे लाके क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इरेजर की हेल्प से हमारा जो है वो कॉलम या कोई सेल रिमूव हो रहा है। सो इरेजर की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद कोई भी रो, कॉलम या कोई भी सेल इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डिलीट ऑप्शन की हेल्प से आप अपने टेबल में मौजूद किसी भी सेल, कॉलम या रो और टेबल को इजीली डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपने टेबल से किसी भी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, देन ओके प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपके टेबल से एक सेल रिमूव हो चुका है। किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो जो आपका कॉलम है वो आपके टेबल से रिमूव हो जाएगा। किसी भी रो को डिलीट करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, आपकी एक रो आपके टेबल से डिलीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेबल है वो कम्प्लीटली आपके डॉक्यूमेंट से रिमूव हो जाए तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, आप देखेंगे कि जो आपका टेबल है वो कम्प्लीटली आपके डॉक्यूमेंट से रिमूव हो चुका है। सो डिलीट की ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट से किसी भी सेल, रो और कॉलम या कम्प्लीट टेबल को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं रोज एंड कॉलम के टैब में मौजूद डिफरेंट ऑप्शंस को। ये ऑप्शन हम अपने डॉक्यूमेंट में, अपने टेबल में उस वक्त यूज करते हैं जब आपको टाइपिंग के दौरान टेबल में किसी रो और कॉलम को इंक्रीज करने की जरूरत महसूस होती है। हम इन ऑप्शंस को तब यूज करते हैं अपने टेबल में। अपने टेबल के ऊपर कोई भी रो ऐड करने के लिए आप इंसर्ट अबव के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके टेबल में एक और न्यू रो ऐड हो चुकी है। इंसर्ट बिलो के ऑप्शन पे क्लिक करने से आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक आपके डॉक्यूमेंट के बिलो ऐड हो जाएगी। अपने टेबल की लेफ्ट साइड पर कोई कॉलम ऐड करने के लिए आप इंसर्ट लेफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पर एक कॉलम ऐड हो चुका है आपके टेबल में। अपने टेबल की राइट साइड पर कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि राइट साइड पर आपके टेबल में एक कॉलम ऐड हो चुका है। सो इन ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने टेबल में कहीं भी कोई भी रो और कॉलम इजीली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम मर्ज सेल्स की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट में टेबल में मौजूद 2 से 3 या जितने भी सेल्स आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी मर्ज करना चाहते हैं और उन 3 से 4 सेल्स को मिलाकर जस्ट एक सेल बनाना चाहते हैं तो मर्ज सेल्स की ऑप्शन पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि जो मैंने सिलेक्ट किए हुए थे सेल 2 अब वो 1 शो हो रहे हैं। अपने सेल्स को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने इतने सारे सेल्स सिलेक्ट किए थे तकरीबन पूरी एक कॉलम तो वो अब सब रिमूव होकर जस्ट एक सेल शो हो रहा है। स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन को हम तब यूज करते हैं जब आप अपने किसी भी 2 सेल्स को या 1 सेल को स्प्लिट करके 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहती हूँ तो इसके लिए स्प्लिट सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया, देन ओके, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैं चाहती हूँ वो 2 है तो इसको ओके कर दें। आप देखेंगे कि जो मेरा सेल है वो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं अपने टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना तो स्प्लिट टेबल की ऑप्शन पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि जो मेरा टेबल है वो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए भी आप अपने टेबल को जहां से स्प्लिट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करें, देन स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि वो टेबल 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। सो इन ऑप्शंस की हेल्प से आप अपने टेबल पे डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, उसे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रो और कॉलम उसमें ऐड कर सकते हैं और अपने सेल्स को इजीली स्प्लिट और मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लेआउट की मजीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।